हेलो बच्चों आप सभी का अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे स्वागत है दिस इज प्रभा वर्मा योर बायोलॉजी टीचर हेयर होप आप सभी की प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी इन वीडियोस के थ्रू प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहें टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट सेकंड चैप्टर फाइव ओके फर्स्ट यूनिट वी हैव कम्प्लीटेड वी हैव थ्री चैप्टर्स देयर नाउ दिस इज यूनिट सेकेंड ये जो है आपकी यूनिट सेकेंड का फिफ्थ यूनिट सेकेंड है हमारी चैप्टर है आपका फाइव प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट फोर ठीक है इससे पहले जो तीन वीडियोस हमारी गई है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर वन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इज बेस्ड ऑन देखो ये जो लॉज है मेंडल ने क्या किया था ग्रीगर जॉन मेंडल जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है उन्होंने थ्री लॉज दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉटमेंट तो यहां पे हमसे पूछा है कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के लिए कौन सा लॉ जो है उसको प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है तो दैट इज बेस्ड ऑन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन का बच्चा क्या मीनिंग होता है सेपरेशन सेपरेट होना है किसको सेपरेट होना है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा अलग अलग जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक एक गैमेट के अंदर जाएंगे ठीक है ना तो वहां पे क्या होगा प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा है कि जो जो भी गैमेट होगा उसके अंदर जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम होगा ठीक है ना तो उसमें क्या होगा उसके वो पर्टिकुलर करेक्टर्स होंगे एक करेक्टर मतलब आपका जैसे मानो कि एक गैमेट के अंदर जा रहा है तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या yeah, सेपरेशन भी आप इसे कह सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट डन वन मार्क अचीव क्वेश्चन नंबर सेकंड नेम द साइंटिस्ट हु बिलीव्ड म्यूटेशंस कॉज्ड स्पेशिएशन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपका Mutation का मीनिंग क्या होता है मीन्स टू चेंज वॉट चेंज चेंज इन डीएनए बेसिकली क्या है जब भी डीएनए में चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे कि mutation हुआ है। है अब हम क्या पूछ रहे scientist का नाम पूछ रहे हैं. तो यहाँ पे जो scientist का नाम रहे हैं? हैं। का का नाम नाम तो पे जो रहेगा, वो है आपका वेराइज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दी है तो म्यूटेशन से वर्ड रहा आपका ये जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया था डन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम आर ठीक है ना अब आप देखो कि जो टर्मिनल एंड है क्रोमोसोम के ये आपका क्रोमोसोम है ठीक है जो टीलोसेंट्रिक टीलो में क्या होता है कि आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड्स में है और ये आपकी क्रोमोसोम की शेप हो गई है तो ये क्या हो गया एक्स्ट्रा शॉर्ट आर्म ठीक है ना ये क्या हो गया बेटा आपका शॉर्ट आर्म रहा और ये क्या हो गया Longer. तो वो आपके क्रोमोसोम जिनमें जो ये सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर का मतलब सेंट्रल पार्ट जो है बिल्कुल एंड्स एंड्स पे पे टर्मिनल पे होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं टीलो सेंट्रिक, टीलो सेंट्रिक टीलो सेंट्रिक डन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज वन अब देखो ये क्या है मियोसिस वन की वन स्टेज है यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते उस पर्टिकुलर स्टेज को क्या बोला जाता है ठीक है ना जहां पे क्या है आपका जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए और इकट्ठा पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो था वो एक गैमेट में चला गया ऐसी कुछ सिचुएशन आपको नजर आएगी तो क्यों वो सेपरेट नहीं हुए तो एक गैमेट के अंदर तो पूरा क्रोमोसोम चला जाएगा और एक गैमेट के अंदर आपका कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन गिव एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका पॉइंट म्यूटेशन क्या है देखो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है हम क्या पढ़ते हैं कि जो जेनेटिक कोड आपका होता है वो हमेशा एक ट्रिपलेट कोड होता है ट्रिपलेट ठीक है ना ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ ट्रिपल हमेशा थ्री के सेट में रहेगा पॉइंट म्यूटेशन में कोई भी एक बेस पेयर अगर खत्म हो जाता है चाहे वो बीस से हो साइड से हो एंड से हो कहीं से भी हो उस टाइप की म्यूटेशन को क्या बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन तो ये कब ऐसा हो सकता है या तो कुछ नया ऐड हो जाए जैसे मैंने कहा कि चलो यहाँ पे जी ऐड कर देते हैं या मैं कहूं कि यहां से आपने टी बेस पेयर को रिमूव कर दिया तो ये रह गया इसका मतलब फोर का भी सेट पॉसिबल नहीं है और टू का सेट भी पॉसिबल नहीं है तो ये क्या करेगा यहाँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो अल्टर हो गया चेंज चेंज हो हो गया हो गया अल्टर है और अगर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है आगे नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस बेटा यहाँ पे आपका अफेक्ट हो जाएगा तो इस टाइप की म्यूटेशन क्या कहलाती है पॉइंट म्यूटेशन सिंगल सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सिकल सेल एनीमिया जिसमें जो आरबीसी है सिकल शेप की हो जाती हैं ठीक है फाइव स्टार्स टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर ओके फाइन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स आई होप कि ये वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हेल्प करनी है हर चैप्टर हर यूनिट को अच्छे से फोकस करने में उनको लर्न करने में ऑलराइट नाउ right. क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन सिकल सेल एनीमिया बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये देखो आपको फाइव मार्क्स में, में भी दे सकते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने इससे पहले डिस्कस भी किया है आपका सिकल सेल एनीमिया ओके जो कि एक पॉइंट म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया एनीमिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी होना एच का कम होना सिकल सिकल आप समझते हैं Normally, जो है आरबीसी की शेप कैसी है आपकी बाइकनकेव है तो यहाँ पे सिक्कल सेल में क्या होगा की की शेप आपकी शेप की हो जाएगी right. अब देखो एक तो यहाँ पे आपका इतना सारा जो है एच बी रहता और अब आप देख रहे हो कि स्पेस कितना कम है एच बी कम एच बी कम तो एनीमिया वाली सिचुएशन अराइज होती है नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्या देखेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या होना है कि सिक्स्थ पोजीशन पे ध्यान दे बेटा सिक्स पोजीशन पे जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है वहां पे ग्लुटामिन की जगह की जगह आपका वेलाइन नाम का एक अमाइनो एसिड आ जाता है ध्यान दे बेसिक बेसिक पॉइंट पे आपको फोकस करना है सिक्स पोजीशन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लूटामिन की जगह वेलाइन नाम का अमाइनो एसिड आ जाएगा ये क्या करेगा ये कोई एक डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा डिफरेंट प्रोटीन की वजह से क्या होगा यहाँ पे आरबीसी की शेप शेप कैसी हो जाएगी ठीक है ना जैसे नाम है आपकी डिजीज का तो अब क्या होगा जो पर्टिकुलर विक्टिम होगा उसमें सफोगेशन स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि बॉडी के अंदर इतना ज्यादा एच नहीं है ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रहा है सफोगेशन जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी आ, हार्ट पल्पिटेशन रहेगा यहाँ पे अब उस वजह से क्या होने वाला है बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखेंगे द विक्टिम में डाई बिफोर अटेनिंग मेच्योरिटी कि मेच्योर होने से पहले ही जो विक्टिम है जो पर्सन है उसकी डेथ होने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे तो एक क्रॉस के थ्रू भी आप इसको समझा सकते हो एच बी ए और एच बी एस ठीक है ये का आपने जीनो टाइप लिया है ऐसे ही इसी का क्रॉस आप जब इसी टाइप के एक विक्टिम के साथ करते हैं एक पर्सन के साथ करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जो चांसेस हमारे रहेंगे एच बी एच बी ए इसका मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा दैट विल बी दी नॉर्मल उसके बाद जब आप यहां देखते हो तो क्या होगा पर्टिकुलर विक्टिम जो है वो कैरियर होगा कैरियर का मतलब क्या है आगे जो डिजीज को कैरी करेगा ऐसे ही जब आप यहाँ पे भी इसका क्रॉस इसके साथ बनाते हैं तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर विक्टिम कैसा होगा कैरियर का, का काम करेगा ओके ये जेनेटिक्स है बेटा थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं यहाँ पे बेसिकली ठीक है और जब इसका क्रॉस आप यहाँ पे करते हो तो एच और एच इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम है वन जो है आपका पर्सन नॉर्मल ब्लड ग्रुप यहां दोनों नॉर्मल है टू का रेशियो है यहाँ पे बट दे विल कैरी द डिजीज और थर्ड क्या हो गया आपका सिक्कल सेल मतलब जो जो भी विक्टिम होगा वो सिक्कल सेल उसके अंदर आरबीसी रहेगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी ओके यहां तक क्लियर आपका ये फाइव मार्क्स में भी टू थ्री वन हर तरीके से क्लियर होता है क्वेश्चन नंबर सेवन आर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूं कि कोई भी वर्ड का रफ मीनिंग आप उसको तोड़ के निकालेंगे ठीक है ना फ्रेम शिफ्ट इसका मतलब जो कुछ ऐसा एक फ्रेम है जो शिफ्ट हो गया है शिफ्ट का मतलब क्या कि उसका कुछ स्ट्रक्चर बदल गया है अब स्ट्रक्चर क्या है जेनेटिक में देखते हैं हम यहाँ पे माना कि आपका एक जेनेटिक कोड है जिसका ये एक फ्रेम है फ्रेम मतलब एक रीडिंग फ्रेम जिसमें आप इसको स्टडी करते हैं यहाँ पे हम क्या करें कि एक हमारे जो बेस पेयर है या तो मैं उसको रिमूव कर दू या मैं एक एक्स्ट्रा एड कर दू कुछ भी कर दो क्या दिक्कत है आप यहां पे डिलीट कर रहे हो यहां पे ऐड कर रहे हो लेकिन नॉर्मल क्या था हमारा नॉर्मल था ए यू जी अब आपका ना तो ये मैच हो रहा है ना ये मैच हो रहा है क्योंकि ये कोई प्रोटीन ही नहीं बनाने वाला है तो आपने क्या किया पूरा जो रीडिंग फ्रेम था एक जेनेटिक कोड का उसको चेंज कर दिया उसको बदल दिया मतलब फ्रेम को शिफ्ट कर दिया फ्रेम को शिफ्ट कर देंगे देन नो ट्रांसलेशन नो प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक्स प्लेस ओके अगेन अच्छा क्वेश्चन था यह आपका क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे जेनेटिक की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, है ना? तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पहले ये करने हैं इसीलिए हम जो है आपके लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ताकि इस टाइम पर आप इन क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करें फिनाइल क्यूटनोरिया एक टाइप की डिजीज है जिसे इन बोन एरर ऑफ मेटाबोलिज्म भी कहा जाता है इन बोन एरर ऑफ मेटाबोलिज्म यहां पे बेटा बेसिकली क्या होने वाला है एक एंजाइम है एक एंजाइम है यहां पे, ठीक है ना वो एंजाइम क्या करेगा वो आपकी फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलनिन नाम की अमाइनो एसिड को आगे जो है गलत तरीके से कन्वर्ट करता चला जाएगा ठीक है अब जब ऐसा होगा यहां पे तो फिनाइल एलेनिन धीरे 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 बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा बॉडी के अंदर मींस आपके ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ठीक है अब जब ये चेंज नहीं हुआ ये इकट्ठा होगा इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा ब्रेन को मतलब जो हम बोलते हैं ना कि मेंटल रिटार्डेशन जो कुछ बच्चे डिसेबल्ड होते हैं वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हो जाते हैं ठीक है ना तो ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है जिसमें एक आपका एंजाइम है फिनाइल एनलेज जो फिनाइल एनिन नाम की जो अमाइनो एसिड है जो उसको टाइरोसिन टाइरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है फिनाइल एनलिज ठीक है ना तो ये फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा इसका मतलब ये यहाँ पे अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिनाइल बॉडी के अंदर ब्रेन में बढ़ता जा रहा है होता जा रहा है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन या ब्रेन जैसी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी अराइज होती है इज इट क्लियर अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या हमें ये वाला पॉइंट क्लियर कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन इजी है इंटरेस्टिंग भी है व्हाट इज द बैक क्रॉस बैक क्रॉस क्या है देखो अब इसके लिए भी हमें एक क्रॉस बनाना पड़ेगा यहाँ पे ये यह मैं इरेज कर दे रही हूं ओके okay, देखो बैक क्रॉस अब बैक यहां से भी हम समझ जाएंगे हमें क्या करना है यहाँ पे हम एक क्रॉस बनाएंगे ठीक है आप एक करेक्टर लेते हो हाइट का जिसमें आपके पास ये दो ट्रेड आ जाते हैं सिंपल सी बात है यहां पे जो भी हमारी F1 वन जेनरेशन एफ जेनरेशन का मतलब क्या है फर्स्ट फाइलल जेनरेशन फर्स्ट जेनरेशन यहां पे क्या होगा आपका क्या आया है कैपिटल टी स्मॉल टी इसका मतलब ये एक हाइब्रिड टॉल जो है आपका एक इंडिविजुअल एक प्लांट आया है हमें क्या करना है बैक क्रॉस में जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है पेरेंट्स है तो पेरेंट्स किसी भी पेरेंट्स के साथ इसका क्रॉस करवाना है ठीक है ना चाहे आप इसके साथ करवाइए चाहे आप इसके साथ करवा दीजिए ठीक है ना हाइब्रिड टॉल का प्योर टॉल के साथ हाइब्रिड टॉल का प्योर ड्राफ्ट के साथ तो दोनों में जो है आपकी जो यहां पे इनकी रेशो आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट आने वाली है कैपिटल टी अगेन कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी तो आप क्या देख रहे हो दो यहाँ पे टोल है और दो यहाँ पे हाइब्रिड टॉल है. है, है ना रेशियो जो है यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगा तो दो हाइब्रिड टोल है और दो प्योर ड्राफ है इज इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन डिफाइन टेस्ट क्रॉस ये भी सेम ऐसा ही है यहाँ पे आपको एफ वन जेनरेशन के साथ ध्यान दें एफ वन जेनरेशन का रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस दिखाना है इसका मतलब एफ वन जेनरेशन जो आपकी कैपिटल टी है इसका रेसेसिव जैसा कि हमने इस केस में भी किया है वो क्रॉस जब आप दिखाते हैं इस टाइप के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं अगेन फाइव पॉइंट टेन स्टार्स आर देयर टेन पॉइंट्स आर टेक अ स्क्रीनशॉट ओके okay, बच्चों यहां पे अब हमारा है क्वेश्चन नंबर इलेवन डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगेन फिर से आप ट्रिक लगाए यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली कोई भी डोमिनेंट नहीं है अभी तक तो हम देख रहे थे कि कोई डोमिनेंट है कोई रेसेसिव है लेकिन यहां पे जो है कोई एक तरीके से डोमिनेंट नहीं रहेगा ठीक है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है तो देखो अब इसको करते हैं यहां पे हम क्या लेंगे मीरा बिलिस जलापा ये आपका एक प्लांट का नाम है मीरा बिलिस जलापा ठीक है जिसे आप फोर ओ क्लॉक प्लांट के नाम से भी जानते हो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप ठीक है ओके यहाँ पे आप दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है ओके अब देखो यहाँ पे आप एक क्रॉस लोगे <coughs> आपने क्या किया कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर आर ये हमने क्या लिए हैं पेरेंट्स लिए हैं आप कहते हो कि ये रेड है ओके okay? और इसे आप क्या कह रहे हो वाइट एक रेड है और एक आप वाइट ले लेते हो ठीक है रेड को मैं रेड कलर से ही लिख देती हूं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा रहे फाइन यहां पे अब हम क्या करेंगे एव वन जेनरेशन बनाएंगे जब आप F1 वन जेनरेशन बनाते हो तो कुछ इस तरीका के जीनोटाइप हमारे सामने आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैसा रहेगा पिंक अब देखो आप कह रहे हो मैम पिंक कैसे आ गया क्यों पिंक क्यों आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना तो ये डोमिनेंट रहा ना ये रहा दे मिक्स देयर करेक्टर्स एंड ए न्यू करेक्टर इज फॉर्म दैट इज पिंक पिंक फ्लावर अब आएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग रेड एंड व्हाइट कलर इज इट क्लियर अब हम क्या करते हैं ये जो हमारी F1 वन आई है इसका क्रॉस हम, हम इसी के साथ कर देते हैं सेल्फिंग कर देते हैं डन अब देखो बेटा क्रॉस बनाने का तरीका देखो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल आराम से रिलैक्स माइंड रखना है आपको ठीक है ये हमारा बना देन दिस एंड दिस अब आपको बेटा एक चीज का ध्यान रखो आप आप ये नहीं कहोगे कि मैम स्मॉल आर और कैपिटल आर समझ रहे हैं क्यों क्योंकि डोमिनेंसी कैपिटल लेटर्स को हम डोमिनेंसी में इंक्लूड करते हैं जैसे कि मैं कहूं कि मेरा नाम क्या है प्रभा वर्मा अब आप ऐसे बोलेंगे क्या वर्मा प्रभा नहीं ना डोमिनेंसी क्या है प्रभा की है ठीक है ना तो इसको हम क्या करेंगे यहां पे आप इसको क्या लिखोगे बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे फिर से क्या क्रॉस बनेगा आपका स्मोला स्मोला देखो वन प्योर रेड टू पिंक पिंक कलर हो गया ना टू रेशो आपको देखना है यहाँ पे रेड और यहाँ पे वन आपका कैसा आया है बेटा वाइट तो देखो अब क्या हुआ कि ये इसके क्या है यहां पे फिनोटाइप कलर आप देख रहे हो और वन इज टू वन रेशो क्या है जीनोटेपेट रेशो इज इट क्लियर तो यहाँ तक आज हम सिर्फ इलेवन स्टार्स लेके जा रहे हैं लेकिन ये इलेवन स्टार्स आपको अपने एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं दिस चैप्टर इज लेंथी सो आई विल डिवाइड द इन टू टू शॉर्ट्स ओके एक वीडियो हम आज करेंगे एक हम कल करेंगे ताकि आप अच्छे से इनको रिवाइज कर सकें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद